फिनाब अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भरतपुर के दो युवकों को जिंदा जलाने के मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार के साथ ग्रामीण भी धरने पर बैठे हैं। सभी आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का बयान सामने आया है कि एक आरोपी गिरफ्तार है जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आज ही मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, उसके बाद अब ये धरना प्रदर्शन, क्या कुछ मांगे? देखिए, जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं वो भी परिवार के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री से मिले वो भी परिवार के लोग हैं। परिवार के ही लोग, कुछ लोग परिवार के गांव में जो कब्रिस्तान जहाँ पर है, जहाँ सबों को दफनाया गया, वहां पर धरने पर बैठे हैं। और कुछ लोग इनके सदस्य प्रतिनिधिमंडल मंत्री जायदाद खान और उनके बेटे साजिद खान के लीडरशिप में मुख्यमंत्री से मिला, उसमें साथ में थे। इन लोगों की मांग है कि लगातार जो आरोपी जो रह गए हैं, जिसमें नामजद 5 और आरोपी हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, इस तरह की वो मांग कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा उनका पुलिस पर एक आरोप ये है कि हरियाणा से लोग 1.5 घंटे के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ से लोगों को किडनैप करके चले जाते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की भी लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं। जी, लापरवाही पर नाराजगी है, लेकिन आज क्या कुछ उनको भरोसा मिला था और अब जब प्रदर्शन हो रहा है तो क्या कोई समझाइश की कोशिश या बातचीत के लिए कोई आगे आया है? देखिए, प्रदर्शन को अपन ऐसे कह सकते हैं कि प्रदर्शन इस तरीके का नहीं है, लोगों में संतुष्टि भी है इस बात को लेकर कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये आरोपी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोग इस बात को लेकर धरने में बैठे। असुद्दीन ओवैसी जो है, ये इनके सदर है, वो आज मेवात के दौरे पर है, अभी पाड़ी में गाजीपुर रोड पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है कि वो जो सब है वो कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ मिट्टी जो दोनों मृतक है उनको देंगे, और इसलिए कुछ लोग पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए हैं और सुबह से ही इस तरीके से उनके आने का कार्यक्रम था। तो बजाय गांव में ना आकर उसी कब्रिस्तान जाएंगे, वहीं लोगों से बात करेंगे, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी घटनाक्रम से जोड़ते हुए लोग इस बात की नाराजगी है कि जो लोग लगातार लोकल लोगों के लोकल पुलिस के संपर्क में थे या CIA हरियाणा की जो पुलिस पर जिस तरह के आरोप लग रहे, तो उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको लेकर नाराजगी है। सरकार का जो कदम है उससे लोग संतुष्ट है, लेकिन बात इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं अगर जो आरोप जो लोग गुमशुदा हुए अगर उनको ढूंढने में थोड़ी सी तेजी बरती जाती तो हो सकता है कि वो लोग जिंदा बच जाते। देवेंद्र, CBI जांच को लेकर भी सुगबुगाहट है, क्या ऐसी कोई मांग रखी गई है? देखिए, आप समझ सकते हैं अभिनव की इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश भर का मीडिया उस गांव में है, घाटमिका में, पूरे देश के मीडिया के लोग पर्सन वहां पर है, लगातार तरह तरह की बात कर रहे हैं। लोगों से जब पूछा जाता है कि जब आप CBI की मांग कर रहे हो तो वो भी कह देते हैं कि हाँ, CBI की मांग होनी चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि राजस्थान पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हो, तो वो ये भी कहते हैं कि राजस्थान पुलिस ने बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है, इंटरस्टेट जाकर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की है। वो DGP पर भरोसा जताते हैं, मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हैं, ये बात भी वो कहते हैं। जी, चलिए, शुक्रिया देवेंद्र जानकारी के लिए।